आमतौर पर हमारे देश में 12 बजना अशुभ माना जाता है। किसी का उदास चेहरा देखकर भी अक्सर लोग ये कहते हैं कि चेहरे पर 12 क्यों बजे हैं। लेकिन क्या आपने किसी ऐसी घड़ी के बारे में सुना है जिसमें कभी 12 ही नहीं बजते हैं? यह आप जानकर हैरान होंगे कि दुनिया में एक ऐसी भी घड़ी है जिसमें कभी 12 नहीं बजे हैं। इसके पीछे की वजह भी आपको चौंका देगी। यह अनोखी घड़ी स्विट्जरलैंड के सोलरथन शहर में है। इस शहर में टाउन स्क्वायर पर एक घड़ी लगी है। इस घड़ी में घंटे के सिर्फ 11 ही अंक है, उसमें नंबर 12 गायब है। वैसे यहाँ पर और भी कई घड़ियां हैं जिनमें 12 नहीं बजते हैं। इस शहर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ के लोगों को 11 नंबर काफी पसंद है। इतना ही नहीं, यहाँ जो भी चीजें हैं उनका डिजाइन 11 नंबर के आसपास ही घूमता रहता है। आप जानकर दंग रह जाएंगे कि इस शहर में चर्च की संख्या भी 11 ही है। इसके अलावा संग्रहालय, ऐतिहासिक झरने और टावर भी 11 नंबर के हैं। सेंट उसुर्स के मुख्य चर्च में भी 11 नंबर का महत्व आपको साफ दिख जाएगा। आपको बता दें कि यह चर्च भी 11 साल में ही बनकर तैयार हुआ था। यहाँ 3 सीढ़ियों का सेट है और हर सेट में 11 पंक्तियाँ हैं। इसके अलावा यहाँ 11 दरवाजे हैं और 11 घंटियाँ भी हैं। यहाँ के लोगों को 11 नंबर इतना पसंद है कि वे अपने 11वें जन्मदिन को बेहद खास तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। इस अवसर पर दिए जाने वाले गिफ्ट भी 11 नंबर से ही जुड़े होते हैं। यहाँ के लोगों के बीच 11 नंबर शुभ माना जाता है। 11 नंबर के प्रति यहाँ के लोगों के इतने लगाव के पीछे एक सदियों पुरानी मान्यता है। गौरतलब है कि किसी समय में सोलरथन के लोग काफी मेहनत करते थे, लेकिन इसके बावजूद उनके जीवन में परेशानियां थी। कुछ समय के बाद यहाँ की पहाड़ियों से एल्फ आकर उन लोगों का हौसला बढ़ाने लगे। एल्फ के आने से वहाँ के लोगों के जीवन में खुशहाली आने लगी। एल्फ का किस्सा जर्मनी की पौराणिक कहानियों में सुनने को मिलता है। यहाँ के लोगों की मान्यता है कि इनके पास अलौकिक शक्तियाँ होती हैं और जर्मन भाषा में एल्फ का मतलब 11 होता है। इसलिए सोलरथन के लोगों ने एल्फ को 11 नंबर से जोड़ दिया और तब से यहाँ के लोगों ने 11 नंबर को बहुत ज़्यादा महत्व देना शुरू कर दिया।